हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम नॉर्मल सब ग्रुप के सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम्स एंड डेफिनेशन की थी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है आवान से देख सकते हैं सो so, नॉर्मल सब ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार हम नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप और इन वेरियंट सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच जी इज इक्वल टू जी एच जी किसका एलिमेंट था ग्रुप का और एच किस का एलिमेंट है सब ग्रुप का दैट मीन्स हमने क्या याद रखना था एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है वो हमेशा किसका किसका होता है ग्रुप जी का इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप अगर हमारी एडिटिव कंपोजिशन है देन हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है एच प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एच क्लियरली जी एंड ई सिंगल्टन सेट ई आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इसको हम क्या बोलते हैं इंटरवल या इम प्रॉपर सब ग्रुप इसको हमेशा याद रखना है कि इट सेल्फ और सिंगल्टन सेट ई हमेशा क्या होता है इम प्रॉपर सब ग्रुप इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन वी ऑल्सो समाइम से दैट एच इज ए नॉर्मल इन जी अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मल इन जी नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या है शो दैट अ फाइनाइट नॉन एम टी सबसेट एच हमारे पास क्या है एक फाइनाइट है और नॉन एमटी सबसेट है किसका H का एच का ऑफ ए ग्रुप जी कहा से लिया हमने ग्रुप जी में से इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ऑन इफ एच एच इज इक्वल टू एच जो इसका रिजल्ट है वो भी आपने याद रखना है एच एच इज इक्वल टू एच जब ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फाइनेट सबसेट है वो क्या है सब ग्रुप बना रहा है जब भी हमने इक्वल प्रूव करना होता है तो मेन मेथड क्या होता है हमारा एच एच को इसका सबसेट बना देना है कैसे करते थे हम एच एच को इसका सबसेट बना देते थे सिमिलरली एच को एच एच का सबसेट दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाता है इक्वल सो इसको स्टार्ट कर देते हैं लेट कर लिया ले कि हमारा एच क्या है सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी उसके बाद लेट कर लिए ले एक्स X किसको बिलोंग कर रहा है एच एच को लास्ट पे क्या लेकर आएंगे एक्स बिलोंग्स टू एच देन एच एच सबसे हो जाएगा हमारा एच का देन X इज इक्वल टू किस टाइप का है ए बी टाइप का ए बी किस को बिलोंग कर रहे हैं एच को नाउ ए भी हमारे एच को बिलोंग करे इसकी प्रोडक्ट भी एच को बिलोंग करेगी क्योंकि हमारा जो एच है वो क्या है सब ग्रुप है सब ग्रुप है इसका मतलब ये किसके इक्वल था हमारा एक्स का तो एक्स भी एच को बिलोंग कर गया तो ये इसका सबसेट बन गया नाउ अब हमने ये लेकर आना है अगेन ले लिया वाई किसको बिलोंग कर रहा है एच को तो वाई किस टाइप का होगा वाई इज इक्वल टू वाई ई टाइप का ई क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा h को भी बिलोंग करता है और g को भी बिलोंग करता है तो y बिलोंग्स टू एच एच अब एच किसका सबसेट हो गया एच एच का दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये दोनों इक्वल आ गए एक, एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया कन्वर्स में हमने क्या लेकर आना है कि एच हमारा क्या है सब ग्रुप है सब ग्रुप मतलब ए बी बिलोंग टू जी सब ग्रुप का मतलब क्या है ए बी बिलोंग्स टू एच तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेट एच बी ए फाइनेट सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच एच इज इक्वल टू एच एच हमारा क्या है फाइनेट सबसेट है ये हमें गिवन है देयर फोर टू प्रूव एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इट इज इनफ टू प्रू प्रूव दैट एच इज क्लोज एच क्या है हमारा क्लोज अंडर दिशन इन जी क्लोज मतलब क्या आता है ए बी बिलोंग्स टू जी ये किसकी डेफिनेशन है हमेशा याद रखना है आपने की किसकी है क्लोजर की ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अब तो आपको याद होना चाहिए कि क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर एसेसिटिव होता है तो क्या करते ए बी सी और ए को छोड़ दिया फिर बी सी ये किसकी होती है एसेसिटिव ये किसकी है क्लोजर क्लोजर का मतलब भी क्या होता है वेल डिफाइंड फोर दिस लेट कर लिए ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों कहां से लिए हमने ए बी से अब अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी एच एच इक्वल है एच के ये हमें गिवन लेकर चल रहे हैं यही हमने प्रूव करना था तो बहुत इजी एग्जांपल है मेन क्या थी इसकी डेफिनेशन जानी चाहिए आपको नाउ एग्जांपल नंबर टू में क्या है हमारे पास ये बहुत इजी एग्जांपल है एन है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी का और क्या हमारा सब ग्रुप है इस बुक में क्या है जो एन है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप के लिए और जो एच है वो सब ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं और जी किसके लिए यूज करते हैं ये तो क्लियर है ग्रुप जी के लिए यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या है आपको पता है कि सबसे बड़ा क्या होता है ग्रुप होता है उससे छोटा सब ग्रुप उससे भी छोटा क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है शो दैट एन इज ऑल्सो नॉर्मल इन एच ये हमने प्रूव करना है ये तो हमें पता है कि एन नॉर्मल है जी का बट अब ने लेकर प्रूव क्या करना है कि एन क्या है नॉर्मल है एच का भी मतलब सब ग्रुप का भी होता है इसके लिए हमने क्या किया सिंस एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ये गिवन है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ये भी गिवन है इसका मतलब क्या आ गया एन सबसेट बन गया एच का देअर N एन इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ एच अगर एन जी का है और एच जी का है तो दोनों को कंबाइन कर दिया एन किसका बन गया एच का क्योंकि ये दोनों किसके सब ग्रुप है जी के उसके बाद क्या लिखा हमने लेट कर लिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है एच को अगर एक्स एच को बिलोंग कर रहा है तो जी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं ग्रुप को और यहां से भी क्लियर है कि एच इज एक्स अगर एक्स एच को बिलोंग करे तो क्लियर है कि जी को भी बिलोंग करेगा अब नॉर्मल है नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है एच जी इज इक्वल टू जी एच मेन मेन आपने याद रखना है कि नॉर्मल की क्या आती एच जी इज इक्वल टू जी एच अब जी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बट डेफिनेशन क्या, में क्या आती फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी ये यहां पे भी x किसका एलिमेंट है g का इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H इसका मतलब जो नॉर्मल है n इज नॉर्मल इन g इसका मतलब क्या था H इज नॉर्मल इन g अब यहाँ पे x का एलिमेंट H का एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n इज नॉर्मल इन H बहुत इजी एग्जाम्पल थी मेन क्या थी इसकी डेफिनेशन इस पूरी जो बुक है हमारी उसमें हमने मेन क्या याद रखनी है डेफिनेशंस अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं और इसको अप्लाई करना आता है तो ये एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स बहुत इजी हैं मेन आपने क्या याद रखनी है इनकी डेफिनेशंस अगर आप हो सके तो आपने एक अलग कॉपी लगा लेनी है सभी डेफिनेशन उस पर राइट करनी है ताकि आपको पेपर में इजी रहे है. जहां तक हमने पढ़ लिया उन सभी को आपने एक अलग कॉपी पे नोट कर लेने हैं सभी डेफिनेशन इसमें आपको पेपर में इजी रहेगा और आगे जाके आपको जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी इजी रहेगा नाउ थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है शो करना है हमने एवरी सब ग्रुप सब ग्रुप मतलब एच एच इज ऑफ अ बिलियन ग्रुप इन नॉर्मल जो अबिलियन ग्रुप है हमारा ये हमें गिवन है कि जी हमारा क्या है अबिलियन ग्रुप है हमने प्रूव क्या करना है कि हमारा जो एच है वो क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है किसका जी का ये हमने प्रूव करना है नॉर्मल मतलब एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल जो छोटा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करना चाहिए जी को तो इसको प्रूव करते हैं अबिलियन मतलब जिसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होती है फर्स्ट क्या होती थी क्लोजर क्लोजर या वेल डिफाइंड ये दोनों सेम होता है क्लोजर एंड वेल डिफाइंड मतलब सेम उसके बाद एसोसिएटिव थर्ड इज आइडेंटिटी फोर्थ इज इनवर्स फिफ्थ इज कम्यूटेटिव इन तीनों से हमारा क्या बन जाता है अबिलियन अगर फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ग्रुप लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियिन ग्रुप जी एच हमारा क्या है सब ग्रुप है अब इसका मतलब क्या है कि एच को हमने प्रूव करना है कि ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मल मतलब एच जी इज इक्वल टू जी एच तो यहाँ पे ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड एच जी और जी किसका एलिमेंट होना चाहिए जी का तो यहां पे किस टाइप का होगा स्मॉल एच स्मॉल एच जी टाइप का होगा और स्मॉल एच किसको बिलोंग करेगा कैपिटल एच को एच जी है तो इसको हम जी एच भी लिख सकते हैं क्योंकि जी हमारा क्या है अबिलियन है अबिलियन मतलब जिसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है कॉमोटेटिव क्या होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए ए बी इज इक्वल टू बी ए कमोटेटिव मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए तो यहाँ पे पुट कर दिया अब यहाँ पे किस टाइप का आ गया जी एच टाइप का तो यहां से क्लियर है कि ये क्या है नॉर्मल जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ये वाली ये टू टू मार्क्स में आपको आ सकती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये देखो पंजाब यूनिवर्सिटी में टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन में भी आई हुई है इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एक्स स्केयर बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एच सब ग्रुप तो है सब ग्रुप है तो क्या प्रूव करना है नॉर्मल प्रूव करना है नॉर्मल मतलब एच जी इज इक्वल टू जी एच अब इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी एच जी इज इक्वल टू जी एच सेकेंड क्या थी एक्स स्केयर टाइप का आ गया ना तो कैसी प्रॉपर्टी लगेगी जी इन वर्स एच जी बिलोंग्स टू एच ये भी हमने थियोरम की थी ना अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमारा जो ग्रुप है वो क्या जो सब ग्रुप है वो क्या बन जाता है नॉर्मल ये देखो अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ऑनलिफ जी वर्स एच जी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी मैंने पहले भी बोला था जो इसका रिजल्ट है वो आपने याद रखना है तो इसको हम अप्लाई करेंगे लेट कर लिया जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच क्या लेकर आना है हमने वर्स ह, जी वर्स एच जी लेकर आना है किस टाइप का है एक्सेस केयर टाइप का मतलब इन इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक, इसकी प्रोडक्ट का स्केयर किसको बिलोंग कर गया एच को क्योंकि किस टाइप का एलिमेंट है एक्सेस केयर बिलोंग्स टू एच ये कैसे आया ये क्यों आया क्योंकि हमें गिवन है कि एच क्या है सब ग्रुप है सब ग्रुप है मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी अब एग्जिस्ट करेगी और इसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा ये मैंने ऊपरी लिखा है इसका ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर की और ये प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स की क्योंकि हमारा जो एच है वो क्या है सब ग्रुप है सब ग्रुप मतलब ग्रुप भी है तो ग्रुप है मतलब क्लोजर और जो इनवर्स एलिमेंट इनवर्स प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या करती हैं एग्जिस्ट करती हैं अब किस टाइप का एलिमेंट है हमारे एक्स स्केयर टाइप का तो यहाँ पे आ गया है जी एच स्केयर जी इनवर्स स्केयर आई होप ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हो अगर ये स्टेप क्लियर ना हुआ तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अब हमने लास्ट में कैसे लेके आना है जी इनवर्स एच जी तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी इनवर्स जी एच स्क्र एच इनवर्स क्योंकि ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं एच को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट में ये लेकर आना है इसलिए हमने इस टाइप का एलिमेंट बना दिया नेक्स्ट क्या किया जी इन जी की पावर माइनस टू या जी माइनस टू इसको कैसे लिख सकते हैं जी एच जी एच एच इनवर्स एज इज ये बन गया हमारा जी की पावर माइनस वन एच एच इनवर्स इज आइडेंटिटी तो क्या बच गया है? यहां पे बन गया जी की पावर माइनस वन और ये दोनों एज इट इज और इसका बन गया ई belongs टू एच तो ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब एच हमारा क्या है नॉर्मल कौन सा स्टेप याद रखना है हमने ये स्टेप याद रखना है नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट मेन क्या आता है प्रूव दैट अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज नॉर्मल इंडेक्स टू का मतलब क्या होता है जी इंडेक्स एच इज इक्वल टू टू इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट जी इंडेक्स एच इज इक्वल टू टू छोटी क्लासेस में हम इसको क्या बोलते थे रेशो बट अब ग्रेजुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स प्रूव दैट एच इज इज नॉर्मल इन जी हमने क्या प्रूव करना है कि एच क्या है नॉर्मल है नॉर्मल मतलब जी एच इज इक्वल टू एच जी यहाँ जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच अब यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एच जी इज इक्वल टू जी एच पिछले वाले में क्यों नहीं लगाए क्योंकि एक्सेस केयर टाइप का एलिमेंट आ गया था उसपे हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे तो ये भी बहुत इजी है लेट कर लिया कि G बिलोंग कर रहा है कैपिटल G को अगर G G को बिलोंग कर रहा है अगर G H को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है जी एच इज इक्वल टू एच जी और ये किसके इक्वल आ जाएगा H के ये क्या है हमारे लेफ्ट एंड राइट को क्योंकि हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल की है एच एच इज इक्वल टू एच होता है यहां पे कैपिटल एच आएगा इसका मतलब एच हमारा क्या है नॉर्मल अब हमने अगर जी नॉट बिलोंग्स टू एच है तो उसके लिए क्या किया अगर जी एच को नहीं बिलोंग करती मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है या ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है फाइव है बट इसका जो यूनियन है वो किसके इक्वल है ग्रुप के सिमिलरली इस यहां पे हमने क्या लिख दिया एच जी और इसकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है फाइव ये बहुत इजी है बस एक बार हमने क्या ले लिया जी बिलोंग कर रहा है एच को फिर तो क्लियर है कि ये नॉर्मल है अगर नहीं कि, बिलोंग करती है इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है इसकी इंटरसेक्शन फाइव होगी और इसका यूनियन किसके इक्वल होगा ग्रुप के ऐसे ही हमने ये वाला ले लिया इन दोनों की यूनियन जी के इक्वल है और इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है एच जी इज इक्वल टू जी एच ये कैसे आया एच जी मेमेंट होना चाहिए एच जी देखो इसकी जो यूनियन है दोनों की ये दोनों की यूनियन किसके इक्वल आ रही है ग्रुप के ये कब पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों क्या है इक्वल ये कब पॉसिबल होगा जब ये दोनों क्या होंगे इक्वल अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि एच एम क्या है नॉर्मल है तो यहां से ये आया नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये सारी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है और ये आपको टू या थ्री मार्क्स में आ सकती हैं नॉर्मल सब कुछ <coughs> जो हम नॉर्मल सब ग्रुप कर रहे हैं इसकी थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी इसीलिए आपने ये टॉपिक स्किप नहीं करना है लेट एच एंड के हमारे पास क्या है दो सब ग्रुप हैं, ग्रुप जी के इफ के इज नॉर्मल इन जी देन प्रूव दैट एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल इन एच इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है नॉर्मल इन एच है पेपर में आपको यहाँ पे एच भी आ सकता है और के भी बट इन दोनों का प्रूफ क्या है सेम होगा बिकॉज एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ जी ये हमने पीछे किया है कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या होती है सब ग्रुप होती है तो सब ग्रुप मतलब एच इंटरसेक्शन के किसका सबसेट है एच का भी सबसेट है के का भी सबसेट है यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है यहाँ पे एच आएगा So, इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी सब ग्रुप ऑफ एच बन गई अब एच है तो लेट कर लिए एच किस को बिलोंग करेगा एच को और एक्स किस को बिलोंग करेगा इन दोनों की इंटरसेक्शन को Then, h x, h. ये किसकी डेफिनेशन है नॉर्मल की क्योंकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है हमारा h को यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिख दिया x किसको बिलोंग कर रहा है h को और एच इज नॉर्मल इन जी एच क्या है हमारा नॉर्मल इन जी है नॉर्मल मतलब जी इनवर्स यहां पे आगे आ सकता है जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच सो यहाँ पे क्या लिख दिया X belongs to H और H हमें क्या गिवन है नॉर्मल है इन G का और एच बिलोंग कर रहा है एच को और एच किसका सबसेट है जी का देन यहां पे हमने अप्लाई कर दिया एच इनवर्स अंदर क्या आएगा एक्स बाहर एच किसको बिलोंग करेगा एच को यहां पे ठीक कर लेना यहां पे एच आएगा ऑल्सो एच इनवर्स एक्स एच बिलोंग्स टू के यहां पे क्या आएगा के क्योंकि अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो के को भी बिलोंग कर तो करेगा अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इसकी इंटरसेक्शन को भी करेगा इंटरसेक्शन को कर गया मतलब ये बन गया नॉर्मल इन एच तो बहुत इजी थी सबसे पहले क्या किया हमने ये इसको मान लिया कि ये सब ग्रुप है सब ग्रुप है मतलब एच का सबसेट है अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ना आप तभी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक की थी इसको काट के के लिखा हुआ था तभी सारा क्वेश्चन के में दिया हुआ इन्होंने सो so, आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे के लिख सकते हैं अदरवाइज अगर एच से करनी है तो यहाँ पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी इसीलिए मैंने स्टेटमेंट ठीक की थी एच एट इंटरसेक्शन क्या है हमारी सब ग्रुप है सब ग्रुप है मतलब इसका सबसेट बन गया तो ये बन गए इसकी जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप बन गई सब ग्रुप बन गई मतलब एक्स एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन को इसका मतलब जो अंदर आएगा वो क्या आएगा एक्स और बाहर क्या बनेगा एच इनवर्स वर्स एच अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो K को रहा है, के को भी बिलोंग करेगा के को बिलोंग करेगा इसकी इंटरसेक्शन को भी करेगा इंटरसेक्शन को कर गया मतलब नॉर्मल बन गया मेन क्या थी इसकी डेफिनेशंस नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर सेवन करेंगे थैंक यू अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू